तो आज हम बनाने जा रहे हैं इतना प्यारा रेवन का साटन रेवन का फूल। ये कि बहुत प्यारे लगते हैं, देखिए कितना, जितने ये प्यारे हैं उतने ही बनाने में आसान है। क्योंकि आज अब दिवाली नज़दीक है तो हम अपने घरों को फूल से सजाते हैं, हम ये फूल घर पे भी बना सकते हैं, इसलिए हम आज ये फूल घर पे बनाते हैं। चलिए इसमें किस किस चीज़ की पहले ज़रूरत पड़ेगी हम देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें साटन रिबन की, ये मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत कलर में मिल जाते हैं। ये मैंने 1.5 इंच का लिया है, आपकी अपनी इच्छा है कितने भी इंच का ले सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी इंची टेप की, सुई धागे की, जलाने के लिए लाइटर की, ये सजाने के लिए जैसे हम नक्शे सजा सकते हैं इस तरीके के नक्शे भी सजा सकते हैं, मोती वाले नगों से हाफ कट वाले नक्शे भी सजा सकते हैं, ये सजाने के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक 5 इंच की स्ट्रिप काटनी है, देखिए ठीक है। ये हमें क्योंकि 10 पत्तियों का बनना है तो ये हमें 10 स्ट्रिप काटनी है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये एक स्ट्रिप लेनी है, हल्का सा इसे हल्का हल्का जला लेना है जिससे इसके धागे ना निकले, ठीक है। फिर इनका हमें एक सेंटर लेना है, ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से एक साइड से मोड़ना है, दूसरी साइड से इस तरीके से मोड़ना है, ये बराबर रखना, देखिए। फिर ये इस तरीके से पीछे एक, फिर दूसरा पीछे, बहुत सिंपल है। फिर इनको इसी तरीके से जॉइंट कर देना है, देखिए ये आ जाएगा इस तरीके से, पत्ती आ जाएगी। फिर से देखते हैं एक बार, इस तरीके से सेंटर लिया, सेंटर लिया, फिर इस तरीके से मोड़ा, फिर दूसरा साइड भी इसी तरीके से मोड़ा, ये इस तरीके से बराबर आ गया, फिर एक इस तरीके से पीछे मोड़ा, फिर ये इस तरीके से मोड़ा और फिर इनको इस तरीके से जोड़ दिया। देखिए कितना प्यारा फूल बन के आया है, पत्ती कितनी प्यारी बन के आ रही है। फिर इसे हल्का सा कट कर देना है, ज़्यादा नहीं काटना नहीं तो पत्ती की शेप खराब हो जाएगी, और इसे लाइटर की सहायता से जोड़ देना है। देखिए ये हमारी पत्ती बन चुकी है। इसी तरीके से हमें ये 10 पत्तियां तैयार कर लेनी है और इन्हें बनाने में बहुत आसान है। अब इनको हमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पत्ती लेनी है ये किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे, क्योंकि मैं सुई धागे से बना रही हूँ इसलिए मैं आपको सुई धागे से दिखा रही हूँ, नहीं हम इसे ग्लू गन से भी बना सकते हैं और हम फेविक्विक से भी बना सकते हैं, अब ये आपकी इच्छा है आप किससे बनाना चाहते हैं। देखिए मैंने ये एक बार में 5 ले लिए हैं, ये देखिए शेप आनी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए आपको ये फूल कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखिए मेरा फूल तैयार हो गया है, अब इसको क्या करना है, इसी तरीके से टाइट करना है, और ये पहली पत्ती जो होती है, इस पहली पत्ती में इस तरीके से पार निकाल देना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पार निकल गई। अब इसे हमें टाइट करना है, इस तरीके से रखेंगे, ये हो गया टाइट, अब इसे हमें टर्न कर लेना है, ये देखिए यहाँ हमें इसे एक नोट लगा देंगे, हल्का सा टाइट करके नोट लगा देना है इन दो पत्तियों के बीच, इन्हें सबको सेट कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर बन के आया है। अब इसको हम उल्टा करते हैं,
पहले से हम सजा लेते हैं जिससे कि ये और आसानी से तैयार हो सके। ये इस तरीके के नग बाजार में मिल जाते हैं, इसे आप बाजार में आराम से ले सकते हैं। क्योंकि मेरा पिंक कलर का है तो मैं रेड कलर के नगों से इसे सजा रही हूं। देखिए ये मेरा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से सुंदर सा फूल तैयार हो जाएगा। ये आपकी इच्छा है, आप किस कलर का बनाना चाहते हैं, पीछे टैटून का लगा दीजिए। इससे फूल और अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे आपको लगाने में, कहीं भी लगाने में, सेट करने में बहुत अच्छा लगता है। इससे बच्चों की चौक भी हम सजा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी मुझे करके बताएं आपको ये फूल कैसा लगा है और इसमें क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई है। थैंक यू।